अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इस्लामाबाद डायरी। जनाब वक्त हुआ चाहता है कि आपको हम इस्लामाबाद की सैर कराएं और इसमें आपको दिखाएंगे ऐसे मज़े के इवेंट्स। अच्छा, मैं हमेशा बोलती हूँ मज़े के इवेंट्स, वो मज़े के वाकई होते हैं। आई एम रिदा इमरान, योर होस्ट, और एक घंटा आप मेरे साथ रहेंगे। हमने आपको बुलाना है कुछ एक्साइटिंग लोगों से जो कि इस्लामाबाद की पहचान है, कुछ अनसंग हीरो से, कुछ ऐसी पेंटिंग्स आपको दिखाएंगे जो कि अपनी तारीफ खुद करेंगे, जहाँ पे वो रंग खुद बोलेंगे। आपको बुलाएंगे आर्टिस्ट से, कुछ जगह दिखाएंगे और बहुत कुछ होगा आज के इस्लामाबाद डायरी में। अब हमारे साथ रहिए, लेट्स स्टार्ट द शो। आपसे कहा कि इस वक्त हम मौजूद हैं एक पेंटिंग एग्जीबिशन में जिसका नाम है रंगे नौ, और ये रंगे नौ क्यों है क्योंकि इसमें कुछ नए आर्टिस्ट भी सामने आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सबीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सबीन? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पेंटिंग करने का शौक कैसे हुआ, वो भी इतनी खूबसूरत? बस रंगों से बहुत ज़्यादा प्यार है हमेशा से, बहुत ज़्यादा। तो बस रंगे नौ जो है इसमें इन्होंने, रिदा ने इन्वाइट किया और माशाल्लाह से पेंटिंग्स हमने अपनी लगाई हैं, जो जो मेहनत की तो वो सबकी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की नज़र आ रही होगी आपको। ये आपका पहला एग्जीबिशन है? जी, ये मैंने फर्स्ट टाइम। और आखिरी नहीं होगा इंशाल्लाह? इंशाल्लाह ताला आगे भी रिदा दोबारा बुलाएंगे, हम बार बार आएंगे इंशाल्लाह ताला। फिलहाल तो मैं आपके बुलाने पर आई हुई हूँ अपने शो को लेके। मैं एज ए होस्ट आई हुई हूँ। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताइए, इतना खूबसूरत, ये सीखा कहाँ से आपने? ये मैंने सीखा नहीं है, बल्कि ये जो है बस मेरे अंदर का आर्टिस्ट खुद ब खुद निकलता है कभी कभी। तो वो ये है कि आता है और कैनवस पे आ जाता है जो भी दिल में होता है, कलर जैसे चाहिए होते हैं मूड के हिसाब से, कभी डार्क, कभी ब्लैक एंड वाइट, कभी लाइट, हर तरह का टोन जो है वो आपको मिलेगा कैनवसेस पे। हसबंद अल्लाह व नीमुल वकील, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। कैलीग्राफी है ये या इसको फ्री आर्ट बोलेंगे? ये फ्री आर्ट है, कैलीग्राफी तो कह नहीं सकते क्योंकि मैंने कोई कोर्स वगैरह किया नहीं है, ये शौक से ही है। और ये आयत जो है ये बस ये जो है मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन एक तरह से सरमाया है, समझें कि ये पूरी पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक मास्टरपीस है। मैंने बिल्कुल, मैं ये यानी कि सोच नहीं सकती थी जो मैंने बनाया है। और ऊपर चाय पकड़ी है, ये सुबह की कहानी होती है ना? हर सुबह की कहानी होती है, ख़ास तौर पर देसी घरों में तो ये इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारा कमी मशरूब जो है वो चाय है, बीमार हो चाय पिए, परेशान हो चाय पिए, खुश हो चाय पिए, है ना? बिल्कुल, हर यानी कि इवेंट पे चाय के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल। ये आपको चाय नहीं मिली लगता है अभी तक? नहीं नहीं शौकीन वैसे हो नहीं चाय। थैंक यू सो मच सबीन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और उम्मीद है कि आपसे अगली एग्जीबिशन में मुलाकात होगी। क्या कहना चाहेंगी देखने वालों को? यही कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह से आप लोग जो हैं जितना हो सके कलर्स की तरफ आएँ और नेचर की तरफ आएँ और इस काम में जो है अपने आप को लगाएं, क्योंकि इससे जो सुकून मिलता है ना वो सुकून आपको ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलेगा। क्या बात है, एक फिलोसोफर, एक शायरा, एक पेंटर सबीन हमारे साथ ही। आइए आपको दिखाते हैं कि और कौन कौन है हमारे साथ। नेक्स्ट वी हैव अनदर इमर्जिंग आर्टिस्ट, वी हैव विद अस आयजा ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप ऐसी चुप रहती हैं, मुझे देख के चुप हो गई। नहीं, इसका मतलब मुझे बोलना पड़ेगा। ऐसा पेंटिंग का शौक क्यों हुआ है? पेंटिंग का मुझे बचपन से शौक था, लाइक एज अ चाइल्डहुड दिस इज लाइक मैं बचपन से करती आ रही हूँ पेंटिंग, तो इट्स लाइक। और किस मीडियम में पेंट करती हैं आप? मेरे पास आ जाए मैं कुछ नहीं कहूँगी। ऑयल में? एक्रेलिक पेंटिंग। एक्रेलिक पेंटिंग करना मुश्किल काम नहीं है? नो, इट्स रियली इजी। ऑयल पेंटिंग ज़्यादा मुश्किल है लगती है जी। और सीखा कहाँ से, कोई उस्ताद है या यूट्यूब है? नहीं नहीं, बस मतलब गिफ्टेड है, इट्स लाइक गिफ्टेड। सदके जाऊँ, जरा ये तो बताओ कि ये क्या हो रहा है? ये मैंने इंस्पिरेशन ली थी एक पेंटिंग से, तो ये बस लाइक आई रियली लाइक द कलर्स ऑफ इट। अच्छा, आयजा एक्चुअल आर्टिस्ट है, उसे पता नहीं हो क्या रहा है, आमद होती है और कैनवस पर आ जाता है ना? सही बात है। फ्यूचर के क्या प्लान है आयजा? आगे फिल्म मेकिंग की साइड पर मैं जाऊँगी और पेंटिंग पेंटिंग एज अ पैशन रखूँगी, मतलब एज अ साइड हॉबी। चलता रहे, विश यू ऑल द बेस्ट, और जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मेरा एक पोर्ट्रेट होना चाहिए। डन।
आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। कुछ और आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वी हैव अरोमा विद अस। अरोमा की पेंटिंग्स यहाँ पर हैं, इसके अंदर मुझे कुछ फूल नज़र आ रहे हैं, कुछ बहार के रंग हैं और कैलीग्राफी भी है, कुछ सीन भी है, पता नहीं क्या कुछ है। अरोमा, अस्सलाम वालेकुम। एक तो नाम बड़ा प्यारा, अरोमा, इसकी थेरेपी भी होती है जी। पेंटिंग का शौक क्यों हुआ? पेंटिंग मुझे बचपन से पसंद थी, फिर लेकिन अब जब मैंने ऑयल पेंट्स करना शुरू की तो अब ज़्यादा इस तरह निकल रहा है, वरना पहले मुझसे होती नहीं थी बचपन में, पर मुझे बचपन से शौक था बहुत। किस मीडियम में ज़्यादा पेंट करती हैं? ऑयल पेंटिंग में, लेकिन आजकल मैंने वाटर कलर्स भी स्टार्ट। ये वाटर कलर्स हैं? नहीं, ये ऑयल पेंट्स हैं। अच्छा, कुछ आपको एक्सप्लेन करना पड़े। दिस इज़ ब्यूटिफुल, गुलाब बने हुए हैं, आगे आ जाओ। ये तो सब इतना डरते हैं, मेरे से खौफ ज़्यादा हो जाते हैं मुझे देख के। ये क्या है? ये रोज़ेस के ऊपर पेंटिंग बनी हुई है। ये तीन रोज़ेस हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, मतलब एक अभी पूरा खिल गया है, एक अभी कली है सिर्फ, तो इस तरह ऑयल पेंटिंग। अच्छा, आगे चलते हैं जी। हमारे साथ और बता रही हैं, ये अरोमा बता रही हैं, यहाँ पे कैलीग्राफी है, इट्स ब्यूटीफुल। ये रक्से दरवेश मुझे लग रहा है, रक्से रूमी भी जिसे कहते हैं, इसके बारे में बताइएगा। ये जो है ये पर्शियन पोइट्री के ऊपर है, रूमी की, इसका मतलब है बी एज यू आर एंड अपीयर एज यू आर, मतलब जैसे आप हैं वैसे ही लगे। व्हाट डू यू वांट टू से जो बच्चे आपको देख रहे हैं जो कुछ नहीं करते और टैलेंट उनमें बहुत है, तो क्या करें? कुछ स्टार्ट करें, मतलब थ्रिल जिनमें होती है ना वो नहीं रुकते, तो मतलब कुछ भी करें, पेंट करें, स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच अरोमा, आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपके रंगों में और खूबसूरती लेकर आए और निखर कर आए और हम अगले एग्जीबिशन पे आपसे मिलें। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट जी। आपको यहाँ के लोगों से भी मिलाएंगे, आर्टिस्ट से भी मिलाएंगे और यहाँ पे जो लोग देखने आए हैं उनकी व्यूज़ भी लेंगे। किस तरह से आर्ट हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है और ऐसी एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोविड को सामने रखते हुए, दे आर फॉलोइंग ऑल द एसओपीज़। मैंने माइक अपना उतारा है बिकॉज मुझे बोलना था और ज़रूरी था कि मैं आपसे डायरेक्टली बात करूँ, लेकिन यहाँ पे सब ने मास्क पहने। अच्छी बात है कि हम लोग एसओपीज़ को फॉलो करते हुए एग्जीबिशन कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हमें थोड़ा टाइम दे दें तो एक और पेंटर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। घबराई नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी, अब बेशक कुछ कहे जो मर्जी कहे, कहते जाए मैं सुनता जाता हूँ। अच्छा, वैसे मुझे ना बोलने के पैसे मिलते हैं। अच्छा, और मुझे सुनने के पैसे मिलते हैं। अच्छा आफ्ताब साहब, ये सब कुछ कैसे और क्या कॉन्सेप्ट है? सर, इसमें कई कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट तो इसके अंदर ये है जो रक्से दरवेश के नाम से था, जिसमें मौलाना रूमी का इसमें था। असल में आपको एक बताओ कि इन सब जितने दरवेश हैं इनका आपस में लिंक होता है। जिस तरह आप इधर एक पेंटिंग देखिएगा जिसमें सचल सर मस्त और रक्से दरवेश के बारे में, ठीक है, ये ज़िंदगी में आज तक मिले नहीं आपस में, कभी भी नहीं मिले, शायद उन्होंने जिक्र भी ना किया, लेकिन जब भी अल्लाह से मांगते हैं तो हाथ दोनों उठा लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट इस कल्चर में भी और रूमी की कल्चर स्पेशली आपस में इनकी गुफ्तगु होती रहती है, ये मिलते जुलते रहते हैं आपस में, जो हमें नज़र नहीं आते लेकिन इनका आपस में एक कॉन्टैक्ट, टेलीपैथिकली कॉन्टैक्ट होता है, एक दूसरे के बात होते हैं। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट वजद वजद जो ये है सब ये, और इसके अंदर किस तरह ये वो पेंटिंग थी इसके बारे में मैं कह रहा था कि रक्से दरवेश, ये देखिएगा ये वाली पेंटिंग, इसके अंदर आपको रक्से रूमी करता हुए भी एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है और ये सचिन सरमस्त का जो है कल्चर वो भी नज़र आ रहा है, सिंधी कल्चर भी नज़र आ रहा है। ये सर, ये है वो आना जो आपका सिंधी कल्चर जो है ना जिसके अंदर, ठीक है, वो है और ये रक्से दरवेश का जो सर। अच्छा, आपको लगता है आफ्ताब साहब के वजद की कैफियत जो है वो हर आर्टिस्ट के ऊपर आती, चाहे वो डांस कर रहा हो ना कर रहा हो, पेंटर हो, लिखता हो, वजद किसी पर भी आ सक हो सकता है? हर इंसान पे आ सकता है, किसी वक्त भी आ सकता है, क्योंकि एक अल्लाह ताला से कांटेक्ट का तरीका यही है एग्जैक्टली, जो सूफीज़म ये कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगरचे बहुत सारे लोग इख्तलाफ करेंगे लेकिन सूफीज़म ये कहते हैं कि वजद ये एक लिंक है टेलीपैथिकली, एग्जैक्टली सबमिशन, एग्जैक्टली, तो ये हर एक के लिए जिस पे भी तारी हो जाता है तो वो कनात पसंद हो जाता है और उसको हर एक चीज़ जो होती है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से मिलनी शुरू हो जाती है। ये एक ऐसी कैफियत है जिसको लोग तरसते हैं, मैं भी तरसता हूँ कि अल्लाह ताला को एक वक्त आ जाए कि मुझे एक कॉन्टैक्ट मिल जाए अल्लाह ताला की तरफ से ना, तो ये वजद का जलसा है। और मैंने सुना था बातें बड़ी हैवी हो रही है कि इसके लिए अल्लाह का दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, इससे भी हम आपसे बात करेंगे। आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर का क्या प्लान? मेरा फ्यूचर का प्लान बड़ा अजीब है। मैं चाहता ये हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, ये मोबाइल से बाहर आ जाएं, ये बहुत मुश्किल है, ये मोबाइल से बाहर आ जाएं और वो पेंटिंग की तरफ आ जाएं, रक्स की तरफ आ जाएं, गाने की तरफ आ जाएं, लिखें, मतलब कॉन्सेप्ट पे लिखें, अदब की तरफ आ जाएं, तहजीब आ जाएं, तो वो कॉन्सेप्ट है। तो ये बड़ी बड़ी गलत चीज़ है जो मेरे हाथ में पकड़ी हुई,
okay, मेरे हाथ में भी है लेकिन ये बड़ी गलत है, तो हमारी जनरेशन तबाह हो रही है इस वजह से। तो मेरा मेन काम सिखाने का सोच रहे हैं? मैं आजकल पढ़ा भी रहा हूँ, पेंटिंग सिखा रहा हूँ बच्चों को, और मेन कॉन्सेप्ट यही है कि वो किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो जाए। और जो बच्चे अब आ जाते हैं ना, तो वो हफ्ते में 3 दिन आते हैं लेकिन कहते रहते हैं कि ये हर रोज़ क्लास करें, तो हम बिल्कुल फारग हो जाते हैं, तो मेंटली फ्री हो जाते हैं एग्जैक्टली ना। तो ये एक सुकून देने का एक तरीका जो है ना, वो ये है एग्जैक्टली। मेरा सब थैंक यू सो मच, आपके लिए बहुत सी दुआएँ, वेल विशिंग करते हैं हम कि अल्लाह ताला कामयाब करे और आपको दूसरों को सिखाने का वसीला बनाए। थैंक यू सो मच। आमीन आमीन। अब आपने सुना, मैंने बोला आपने सुना, उस्ताद उस्ताद ही होता है। नेक्स्ट हमारे साथ मौजूद है एक बड़े खूबसूरत, बड़े मजे हुए आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, और मैं खुद इनसे बहुत दिनों से मिलना चाह रही थी। मैंने सोचा यहाँ पे छापा मारूँ, उनसे मुलाकात कर लूँ। पेंटिंग सिखाते भी हैं, करते भी हैं, और एक गैलरी के सीईओ हैं, बल्कि 2 गैलरीज हैं। मैं आपको मिलाना चाहूँगी आशीष सिद्धू से। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? आपके हाल कैसे? काबू आ गए ना आखिर फाइनली? और बड़ा अच्छा लगे यहाँ कलर्स देख के, स्टोरीज सुन के, पेंटिंग्स देख के, बहुत अच्छा काम किए हुए सब आर्टिस्ट जितने आए हुए, और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे इन्वायरमेंट में जाके जहाँ सिर्फ रंगों की बातें हो, जहाँ पीस की बातें हो, और इन बातों को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। बजाय कि हम मीडिया पे भी देखते रहते हैं, बुरी खबरें ही सुनते हैं, और नेगेटिव जो थॉट्स हैं उन्हीं को ही हर टाइम दिखाते रहते हैं कि उसने इसको मार दिया, उसने इसको ये कर दिया। तो इन चीज़ों को ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में, कि हम पीस को प्रमोट करें, हम एक पॉजिटिव थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं मीडिया पे भी। तो आपका इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि आप लोग इसे, जैसे अभी आप कवरेज दे रहे हैं, ऐसी आर्टिस्ट को सपोर्ट करते रहे। नाजुक लोग होते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करने वाले लोग होते हैं, और रंगों के साथ उनकी कोशिश होती है। यहाँ पे यंग आर्टिस्ट भी हैं और आफ्ताब साहब जैसे सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, तो कैसा लगा उनका काम आपको? आर्टिस्ट हमेशा यंग ही होता है, इसरार साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो एज उनकी माशाल्लाह काफ़ी होगी, लेकिन आर्टिस्ट हमेशा बच्चा ही रहता है। जैसे हम बचपन में रंगों के साथ खेलते हैं, वो इस एज में भी रंगों के साथ ही खेलते हैं। ये रंग इंसान को जवान रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और मैं काम की बात भी करती हूँ, मैं खाली तंग नहीं करती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आशीष, व्हाट डू यू वांट टू से टू ऑल द पीपल वाचिंग यू राइट नाउ, जो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं, और अगर आपसे मिलना चाहे तो कहाँ मिलें? मोस्ट वेलकम जी, आप सिद्धूस गैलरी में आ सकते हैं, फेज 7 में बैरियर टाउन, और फेज 4 में एक हमारी ब्रांच है, तो आप वहाँ आए, ज़रूर विजिट कीजिए। बहुत अच्छी एक्टिविटी है वहाँ, हमारी कोशिश होती है कि पॉजिटिव हम थॉट्स डिलीवर करें, और जैसे अभी कोविड का सीन चल रहा है, तो घर में रहने के लिए एक अच्छी एक्टिविटी है। मेरा तो लास्ट जो हमारा लॉकडाउन था वो भी बहुत अच्छा गुजरा, रंगों के साथ खेलते हुए। तो एक कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपके लिए थेरेपी का काम करे, तो आर्ट बेसिकली एक थेरेपी है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, स्पेशली ऐसे मोमेंट्स में जब पूरी दुनिया बंद हो जाए, तो आप कभी अपने आप को तन्हा फील नहीं करेंगे, आप कभी नेगेटिव थॉट्स की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक पॉजिटिव एक एक्टिविटी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे आगे प्रमोट करें, आर्टिस्टों को प्रमोट करें, इसे आगे डिलीवर करें, प्लांटेशन करें, और एक अच्छी जनरेशन हम पाकिस्तान को दें। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे लिए ऑनर की बात है, बल्कि तमाम आर्टिस्ट के लिए ऑनर की बात है कि इस पेंटिंग एग्जीबिशन को आपने इनॉग्रेट किया, उनकी हौसला अफजाई की। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे जी, एक और आर्टिस्ट हैं जिनका बाकायदा सीखी हुई है, रमशा है जी, और उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे हाइपर से आर्टिस्ट। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। इस बच्ची की आवाज़ में खनक देखिए ज़रा, गाना गाना आता है? कितना तोड़ा गाती हूँ। शी इज़ अ पेंटर, आर्टिस्ट जो है ना वो सब काम कर लेता है। गोल रोटी बना लेती हूँ? नहीं, मतलब बना लेती हूँ बट बनाती नहीं हूँ वैसे, लाइक देखो आर्टिस्ट है ना, बना लेती हूँ लेकिन बनाती नहीं हूँ, इसके बाद में घराई होगी, मम्मी से पूछेंगे। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पर डिस्प्ले कर, दिस इज योर फर्स्ट एग्जीबिशन? दिस इज माय फर्स्ट एग्जीबिशन। और कुछ बताइए इस पेंटिंग्स के हवाले से, क्या कुछ है ये? श्योर, एक्चुअली मैं एज अ, अगर पेंटिंग जर्नी अपनी स्टार्ट करूँ तो वो मैं बचपन से ही घर में अपनी अम्मी को पेंट करते देखा मैंने, तो वहाँ से इंस्पायर हुई,
उसके बाद फिर NCA में आके थोड़ा बहुत खुद स्किल्स पॉलिश की, और उसके बाद आई एम मोर इंस्पायर्ड फ्रॉम कलर्स, नेचर से, बट सॉलिड कलर्स जो नज़र आए, मतलब जो दूर से आपको पता लगे कि अच्छा ये कलर, दिस इज़, मुझे काफ़ी, मुझे खुद पर्सनली बहुत अट्रैक्ट करते हैं. सो अगर आप पेंटिंग्स को देखें तो दिस इज़ बर्निंग डिज़ायर्स, दिस इज़ अ पीस दैट इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट, सॉरी बर्न डिज़ायर्स इसका नाम है, मतलब बर्न हो चुके हैं, ख़त्म हो गए बिल्कुल. यस, ख़त्म नहीं हुए, दिस ये बर्न एज एन अभी हुए हैं. तो लाइक आप कलर्स देखें कि फ्रेश रेड अभी फ्रेश है, इट्स नॉट आहिस्ता आहिस्ता फेड हो रहा है, बट जो बीच में है वो फ्रेश है. तो वो पूरी एक जो फीलिंग होती है ना उस टाइम पे, आपके पास कोई होप भी नहीं होता उस टाइम पे. तो फलसफा आ रहा है भाई, फलसफा, पानी पिलाएं जी, फलसफा आ रहा है यहाँ पे. जी बस वही मैंने उसको शो करने की कोशिश की. नमशा, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके बेटा? मेरे फ्यूचर के प्लान्स यही हैं कि इंशाल्लाह पेंटिंग को आगे लेके चलना है, और साथ अपनी डिग्री भी आर्किटेक्चर में कर रही हूँ. तो और गाना भी सीखना है. दो लाइनें हो जाए, दो लाइन हो जाए, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ, दो लाइन, कोई गाना मिलके गा लेते हैं. बातें तेरी करते हुए थके सो जाती हूँ सिरहाने आसमां, जाने कहाँ मुड़ जाती है, देखते देखते तुझे ये गलियां, तेरी तरह खुशबू चले, अरे हमारी तरह रातों से मिले, सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियां, कर दे कोई नवाजिशे करम मेहरबानियां. गाना आता नहीं हो, ये मुझे माइक दे दी रही थी. थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. कुछ लोगों से आपको और मिलाएंगे, यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स दिखाएंगे आपको जो मेरी बड़ी फेवरेट हैं, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कुछ इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से. लेकिन दिल चाह रहा है कुछ थोड़ा बहुत पानी पी लिया जाए, तो आई एम टेकिंग अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक. हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी. लीजिए, लोगों के व्यूज ना मिले तो मजा नहीं आता है, छपा मारते हैं. और देखते हैं कि यहाँ पे एक आर्टिस्ट को इंस्पायर करने वाले, ये या इंप्रेस करने वाले मौजूद हैं. जमशेद साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपने पूछा नहीं मेरा नाम कैसे पता चला तुम्हें? मुझे मालूम है कैसे पता चला. चलिए छोड़े उसको. अच्छा, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए. कोविड के ज़माने में आपने एक एग्जीबिशन को सपोर्ट किया. व्हाट डू यू से अबाउट दिस एग्जीबिशन? एग्जीबिशन मैं थोड़ा सा काम है, मेहनत है और कलर्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था शायद कोविड पे होगा और रंगे नौ. लेकिन कोविड चूँकि आर्टिस्ट है ना, जो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होता है मेरे पास, तो आर्टिस्ट जो है वो हमेशा अपने इर्द गिर्द होने वाली सिचुएशन से इंस्पायर हो रहा होता है या हर्ट हो रहा होता है, और वही उसके कैनवस पे आता है. तो मैं चाहूँगा कि ऐसी कोई एग्जीबिशन आप लोग करें जिसमें ये कोविड की बेस पे जो सिचुएशंस डेवलप हुई हैं उनको कैसे एक आर्टिस्ट अपने कैनवस पे लेके आ. अच्छा, आर्ट जिंदगी में क्यों ज़रूरी है? आर्ट आपका जो सॉफ्टनेस है, बेसिकली ये ऐसी एक बात है कि आप खूबसूरत लम्हों को, खूबसूरत फ्रेम्स को हमेशा के लिए कैप्चर करना चाहते हैं, और उनको देखकर आप में वही फीलिंग्स होती हैं एक डेवलप जो एक्चुअल फ्रेम या एक्चुअल सिचुएशन को देखकर हो रही होती है. उनको आप जब फ्रीज करते हैं, हर आर्टिस्ट, हर इंजीनियर, हर डेवलपर, हर आर्किटेक्ट या हर एंकर बेसिकली अपने टाइम को फ्रीज करने की कोशिश कर रहा होता है, और जो अच्छे तरह से उसको जस्टिफाइड कर जाता है वही लीडर होता है. ये क्या बात शुरू की जमशेद ने, कहाँ पहुँचा दिया, वहाँ से बैठ गई. जमशेद, मज़ेदार बातें करते हैं आप, बहुत कुछ आपसे जब भी बात की सीखने को मिलता है. आप किस तरह से आर्ट्स की खिदमत कर रहे हैं? मैं जो करना चाह रहा हूँ वो तो नहीं कर रहा,
बल्कि मेरे पे क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे फैसिलिटेट किया, लेकिन जिस स्केल पे जाके मुझे करना चाहिए मैं वो अभी तक नहीं कर पा रहा, लेकिन थोड़ा बहुत चल रहा है। लोगों को सिखा रहा हूँ, आर्किटेक्चर की ट्रेनिंग दे रहा हूँ यंगस्टर्स को। कोविड की वजह से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा पा रहा। पेंटिंग्स कर रहा हूँ, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स करवा रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों के, और जैसे अभी अगस्त पे 14th of August पे एक कॉम्पिटिशन होगा। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हमें करना चाहिए और हम कर सकते हैं, तो बस ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द अच्छा करेंगे और बड़ा करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होती है आपसे। सीरियस मैं कर देती हूँ। अच्छा जी, कुछ लोग और हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप गुस्से में क्यों रहते हैं? मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, बेफिक्र हूँ। अच्छा, यू आर हियर फॉर टू सपोर्ट आर्टिस्ट। आर्ट का आपकी ज़िंदगी में कितना किरदार है? आर्ट का बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी ज़िंदगी से, क्योंकि जो हमारा लाइटर साइड है, जिसको कहते लतीफ़ साइड जो होती है, उसके बगैर तो इंसान इंसान ही नहीं है। क्योंकि इंसान के अंदर जज्बात हैं, जज्बात का इजहार है, कभी वो लफ्ज़ों में करता है, कभी वो पेंटिंग के थ्रू करता है। और अगर आपको लफ्ज़ों में इसका इजहार करना हो तो कैसे करेंगे, जल्दी से बताइए। अगर पेंटिंग्स को देख के इजहार करना हो तो उसका फिर हम यही कह सकते हैं कि अपने बारे में तो नहीं कह सकती कि इजहार कीजिए, वो देखिए कि आप पेंटिंग के बारे में करेंगे। मैं बिल्कुल आपको, हाँ, मैं पेंटिंग के हवाले से अगर कहूँ तो उसमें एक बड़ा शेर मुझे मिसरा याद आ रहा है कि रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। तो वो खुशबू हर तरफ यहाँ फैली हुई है रंगों की, और बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं जिसको देख के बहुत लुत्फ आया। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू जी। तो जनाब, मज़ीद आपसे बातें करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी और मैं हूँ रिदा इमरान। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आपसे ऊंचा सलाम मैंने किया, आप उम्र में डबल हुए हैं। सॉरी जी। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? नेम? आई एम रानिया। एंड योर नेम? एसिन। और आप भी आगे आ जाइए। मुस्तफा। आप सारे पेंटर्स हैं? नो, वी आर हियर टू जस्ट सपोर्ट दीज आर्टिस्ट। एंड व्हाट डू यू डू? आप तीनों भाई बारी बताएंगे। आई वाज स्टूडेंट, आई एम डूइंग सोशियोलॉजी फ्रॉम कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, एंड आई एम आल्सो यू नो वर्किंग एज अ राइटर एट सम डिफरेंट प्लेसेस। जबरदस्त। और आप बताइए सर? सो स्टूडेंट डूइंग माय बैचलर्स इन सोशियोलॉजी फ्रॉम कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, और मुझे पेंटिंग्स और आर्ट का बहुत शौक है। मुस्तफा आप बताइए? आई एम अ स्टूडेंट एंड आई समहाउ आई सपोर्ट के लिए समझ गया। यू आर सपोर्टिंग योर सिस्टर कि वो गुस्से में दबा के लिए करेगी, चलो मेरे साथ सपोर्ट करो। नहीं, बस मैं खुद आ गया ना। असल में कहानी अंदर से यही है, बेचारा कैमरे के आगे बोल नहीं रहा है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक? आप तीनों मुझे बताएंगे कि व्हाई आर्ट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर अ सोसाइटी। वेल, इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज़ यू नो स्टेम जो है ना, वो आपको बहुत रिजिड कर देता है। साइंसेज आपको बहुत, नॉट रिजिड बट वो आपको ना एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। बट उर्दू में मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आप ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में? आप साइंसेज आपको ना बस नहीं, आई कांट डू दिस। अच्छा, सही है। ऐसा उर्दू में बताओ क्यों ज़रूरी है? आर्ट हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जिस तरह पढ़ाई है उसी तरह आर्ट भी, ये चीज़ें ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा है, और इसको सपोर्ट करते रहना चाहिए इन चीज़ों को। बिल्कुल जनाब। मुस्तफा आप कुछ कहना चाहेंगे या बहन से पूछना है? नहीं, बहन से नहीं पूछना है। आर्ट एक इमेजिनेशन आर्टिस्ट की होती है, पेंटर्स जो हैं एक कैनवस पे करते हैं निकालते, मतलब इमेजिनेशन है। बस बिल्कुल सही बात है जी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर गिविंग अस सम टाइम। अब हम आपको लेके जा रहे हैं इस पेंटिंग एग्जीबिशन से आगे, एक और एक्टिविटी हो रही है, देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। यार बहुत अच्छी बात है, एक बहुत लंबा टाइम गुजरा है कोरोना की वजह से, पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट किसी तरह का कोई इवेंट नहीं हो रहा, फैशन शोज नहीं हो रहे, इस तरह की गैदरिंग नहीं हो रही। अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा इवेंट स्टार्ट हुए हैं, एक सुख का सांस आना शुरू हुआ है, और अल्लाह करे कि ये सब कुछ ऐसे कायम दायम रहे, और ये हमारी सब मुसलमानों की, सब पूरी दुनिया की जान छुटे इससे।
तब इवेंट्स नहीं होते तो हम लोगों को भी फ़र्क पड़ता है, हमारे कारोबार को फ़र्क पड़ता है। पर सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग एज अ फैशन डिज़ाइनर परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, शूट्स नहीं हो रहे होते, फैशन शोज नहीं हो रहे होते, तो इसकी वजह से बिल्कुल काम रुक जाता है। हम लोगों को भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है फाइनेंशियली भी और वैसे भी। तो अल्लाह का शुक्र है कुछ थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, कुछ एक महसूस तो होने लगा कि आगे कुछ ना कुछ होगा इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है अल्लाह के घर पे। आज के इवेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा है और कोविड की सिचुएशन में इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। ओपन एयर इवेंट है, आवाम को एंटरटेनमेंट का और अच्छे फूड का मौका मिला है, इनका बारबेक्यू बहुत बेस्ट है। इवेंट्स हम ए टू सी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें हम वेडिंग प्लानर भी हैं, वेडिंग्स भी करते होते हैं और हम टैलेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें टैलेंट्स को हम ग्रूमिंग एक्टिंग क्लासेस दे रहे हैं अपने स्टूडियो में। और इवेंट के हवाले से ये है कि ओपनिंग सेरेमनीज़ जैसे कि आज आप देख रहे हैं, ये ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज हमने की है और इसके अलावा वेडिंग्स के इवेंट्स हो गए, निकाह के, बर्थडेज़ के सारे इवेंट्स हम करते हैं। और टैलेंट की जहाँ तक बात है, टैलेंट्स को एक्टिंग्स और ग्रूमिंग्स की क्लासेस देकर उनको ब्रांड शूट्स की तरफ लेके जाना, टीवी चैनल्स पर लेके जाना, प्रमोट करते हैं हम लोग। हो रहे लॉन्चेस अभी है कि इस महीने की ये थर्ड लॉन्च है माशाल्लाह से दो डिज़ाइनर और एक के, तो इवेंट्स हो रहे हैं ओपन एयर में हो रहे हैं, अच्छा है, अच्छी बात है कि ऐसे भी इसका ख्याल रखते हुए इवेंट्स हो रहे हैं। एज अ मॉडल ये है कि प्लीज़ इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, बाइक वेटिंग ना करें, अगर किसी का काम आपको नहीं अच्छा लगता है इग्नोर करके आगे बढ़ें, कॉमेंट्स में आके फेक प्रोफाइल बनाकर नेगेटिविटी ना फैलाएं बस। बहुत अच्छा रहा, मैंने बहुत इंजॉय किया, मज़ा आ रहा है, अभी भी अच्छा है, सेटअप बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है और स्टाफ अच्छा है, सब अच्छा है। मैं आज का इवेंट बहुत अच्छा रहा है हम लोग का और हमने काफ़ी इन्जॉय किया और कुछ पुरानी फ्रेंड्स भी मिली और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने, तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। आजकल बस आपको पता है कोरोना की वजह से इवेंट्स नहीं हो रहे, लेकिन आज माशाल्लाह इवेंट पे आए हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है और ऐसे होने चाहिए इवेंट वगैरह, ताकि जो है ना लोगों के दिमाग वगैरह जो घर बैठ बैठ के रुके हुए हैं वो खुलें थोड़े से। और देखिए काफ़ी मज़े का इवेंट है और खैर मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं और बस यही है कि कोरोना ने सबको तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन ये है कि आज काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी अरसे बाद जो है ना ऐसा इवेंट हुआ है। एज अ ट्रेनर, एज अ मॉडल, एज एन एक्टर तो काम कर रहा हूँ, बाकी बस कर रहे हैं काम वगैरह, दैट्स इट। बहुत अच्छा इवेंट था माशाल्लाह, बहुत अच्छे इवेंट हुई है, बहुत अच्छा इवेंट है। वेलकम बैक टू इस्लामाबाद डायरी। और काफ़ी देर से खड़ी हुई थी, हाई हील्स पहनी हुई है, मतलब फैशन भी करना है तो प्रोग्राम भी करना है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अब स्टोरी ये है कि हमने छोटा सा ब्रेक लेना है, हमारे साथ रहिए। मैं हुरैदा इमरान और आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। जी यहाँ से हम आपको लेके जा रहे हैं एक और खूबसूरत से इवेंट में, जहाँ पे एक कॉन्सर्ट हो रहा है हसन रहीम का इनफैक्ट, और बहुत ही खूबसूरत कॉन्सर्ट है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, आइए चलते हैं, एंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली अशरफ है और अभी हम इस वक्त लोक विरसा द हिल जॉइंट पर हैं। पाकिस्तान के उभरते हुए आर्टिस्ट हसन रहीम स्टेज पर हैं इस वक्त और इस्लामाबाद के आवाम उनको सुनने के लिए आए हैं। अच्छा मौसम है, SOPs का ख्याल रखते हुए हम लोग इवेंट कर रहे हैं, एंड आई होप कि ऐसे और इवेंट्स हों और हम लोग ख्याल रखें इन चीज़ों का, ताकि पाकिस्तान में म्यूज़िक बढ़ता जाए। मेरा नाम अली अशरफ, थैंक यू वेरी मच। आज मेरा कॉन्सर्ट है और हम इस्लामाबाद आए हुए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है, एंड सारी SOPs फॉलो हो रही हैं, एंड द क्राउड इज़ वेरी गुड इज़ वेल, एवरीवन इज़ फॉलोइंग ऑल द रूल्स दैट आर लाइक बीइंग सेट अप बाय द इवेंट ऑर्गेनाइजर्स। सो नेक्स्ट टाइम कोई भी इवेंट होता है तो आई होप ऑल यू गाइस कम सो दैट यू हैव मोर फन एंड यू एंजॉय। क्या कहूं
जानम तुमने खेला हम जानम गुजर गया वो वक्त अब मैं क्या कहूँ देखा था कॉन्सर्ट जिसमें तमाम लोगों ने SOPs को फॉलो रखते हुए मैं बार बार दोहरा रही हूँ इस एक्टिविटी को इन्जॉय किया और खूबसूरत खूबसूरत गाने सुने। ये जो सिंगर है ना ये यूथ में बड़े मशहूर हैं और थ्रू सोशल मीडिया इन्होंने अपनी जगह बनाई है। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि हम इस्लामाबाद डायरी में आपको मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स दिखाते हैं, मुख्तलिफ मज़े मज़े खाने दिखाते हैं कि क्या खास चीज़ उस रेस्टोरेंट की है, क्यों वो फेमस है वगैरह वगैरह। लेकिन थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है इस दफ़ा, वो इसलिए कि इस बार हम आपको मिला रहे एक ऐसे इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी से जो कि कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए। क्यों हुए? क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं लेकिन 5 साल से वो जॉबलेस थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि बिरयानी बनाए और इस्लामाबाद में उन्होंने गाड़ी में रख के सेल करना शुरू की। बहुत ही खूबसूरत दिल को छू लेने वाली कहानी है। मैं चाहूँगी आपको लेके जाऊँ उनके पास, उनका नाम आपको दिखाएँगे और आपको बताएँगे किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। आइए आपको मिलाते हैं मोहम्मद उमर कमाल साहब से। जी जनाब, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग सेगमेंट ऑफ इस्लामाबाद डायरी। बचपन से सुनते आ रहे कि मेहनत में बड़ी अजमत होती है, हक हलाल कमाई में बड़ी बरकत होती है, सुना बहुत था लेकिन आज देखने को भी मिल गया है। मैं आपको मिला रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो कि अपनी मिसाल आप हैं। मेहनत क्या होती है, आगे कैसे बढ़ना है, हिम्मत कैसे नहीं हारनी है, ये सारी कहानी सुनाएंगे आजकल इंटरनेट पर वायरल होने वाले। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड। बहुत मुबारक हो आपको। जज़ाकअल्लाह खैर जी, थैंक यू वेरी मच। एंड मेरी दुआएं कि आपकी स्माइल ऐसे ही कायम रहे। जी मुझे प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर मैं ज्यादा हंसता हूँ तो माय वाइफ गेट्स एंग्री। नहीं भाभी ना परेशान हो बिल्कुल आप। अच्छा आप, आपको पता है वायरल हुए हैं माशाल्लाह से इंटरनेट पे? नहीं मुझे मालूम नहीं है। ये वायरल हुए इनको पता नहीं है, बड़ा बंदा ऐसे ही होता है। नहीं मैं बड़ा, आप मुझे किस वजह से बड़ा कह रही हैं कि? बिकॉज आप मेहनत से घबराते नहीं हैं, यू आर स्माइलिंग। इतना हार्डशिप देखा एंड स्टिल माशाल्लाह से, अब वक्त है कि उसका पे बैक होगा। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि मैं बहुत रो चुका एक्चुअली, बहुत दुखी रह चुका एक्चुअली। तो वो फिर अब लाइफ के अंदर ना, मतलब मुझे लाइफ ने ये सिखाया कि जो सीड आप लगाएंगे वो फ्रूट मिलेगा। बिल्कुल। तो जब मैं सैडनेस को, रोने का सीड लगाता था तो वो सैडनेस, रोना, तकलीफें ही मिल रही थी। तो आई हैव टर्न दैट अराउंड बाय अ स्माइल। सो व्हेन आई एम गिविंग द नेचर स्माइल, नेचर इज गिविंग मी बैक स्माइल्स, राइट? वाओ। और मैं आपको बताऊं कि इनकी कहानी थोड़ी सी ये है कि उन्होंने स्टार्ट किया लम से और देन यू वेंट अब्रॉड। लम्स और मैकगिल्स की जॉइंट देख रही थी। अच्छा, और अब ये थोड़ा सा, कुछ अर्सा पहले तक ये मायूस थे लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, मैं राइट? मैं मायूस एक्चुअली नहीं था। मैं कोशिश कर रहा था कि जो मेरी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, मैं उसको यूज़ कर लूँ, लेकिन अभी शायद बहुत से लोगों को अभी उसकी समझ नहीं थी। तो फिर मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे थे गेटिंग इन डिसेंट जॉब और वर्क और कंसल्टेंसीज। तो वन फाइन मॉर्निंग माय अल्लाह सुबहाना ताला, मैंने अल्लाह से बड़ी अच्छी दोस्ती कर ली है और ये उसी का समरात है सारे। तो अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। तो मैंने उनसे कहा, मैं कह जी मतलब उन दसों की करा। तो फिर हाँ दिल से बोला, मैं कह जी उन दसों की करा, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट। तो फिर एक इशारा, जिस तरह अल्लाह ताला दिल में ख्याल डालते हैं उस तरह फिर ख्याल आया कि कुछ अपना करें। फिर मैंने पहली दफ़ा आवाज़ लगाई हमसे, मतलब होममेड बिरयानी ले लें मेरे से। वो फर्स्ट जो 5 सेकंड्स थे वो आप मुझे इमोशनल कर रहे नहीं, वो फर्स्ट 5 सेकंड्स वर डिफिकल्ट, बस उसके बाद फिर देर इतना हो गई। अच्छा आप क्यों रो रहे हैं मुझे बताएं, आप चाहे मेरा मेकअप खराब हो जाए?
नहीं मैं अच्छा तो, नजर आ दे लोगों वो, मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे इतनी देर लगी अल्लाह ताला से दोस्ती करने में। मैं 3 साल लोगों से मांगता रहा, हेल्प मांगता रहा, मुझे वो फिर वही बात है कि अल्लाह की रजा नहीं थी शायद। अल्लाह ताला आपको करीब करना चाह रहे थे, करीब करना चाह रहे थे और प्योर करना चाह रहे थे। अब अल्लाह से दोस्ती हो गई है, आप सोच नहीं सकती मैं जो मांग रहा हूँ अल्लाह मुझे दे रहा है। रियली? मतलब मैं इस दुकान जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस दुकान के बाद मेरा ये ख्याल था कि मैं छोटी सी घर वाली बारबेक्यू की ग्रिल लाऊंगा। हाँ, मैं वो घर वाली बारबेक्यू की ग्रिल लाऊंगा, यहाँ खड़ा होऊंगा और चला जाऊंगा। तो ये जो शॉप ओनर है, ही हैज गिवन मी दिस शॉप फॉर फ्री। अल्लाह मियां अपने लोगों से हेल्प कराते हैं ना, वसीले बनाते हैं। ये 450 स्क्वायर फीट की शॉप है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं ये इसका रेंट पे कर सकता हूँ। ये उनकी शॉप है, मैं कहते हैं यार मैं आपका पार्टनर हूँ, मतलब मेरी पार्टनरशिप ये है कि मेरे सारे वसाइल आप यूज़ करें फॉर फ्री। फिर मेरे दोस्तों ने एक मुझे 5-6 फ्रीज़र चाहिए थे, फिर मेरे दोस्तों ने एक एक करके स्पॉन्सर करना शुरू किया, एक 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 फ्रीज़र। ये 95,000 रुपीज़ की ग्रिल बनी है मेरे पास, तो इसके भी पैसे नहीं थे और बन गई। अच्छा मैं आखिर एक तो मेरी बिरयानी ऑर्डर कर दीजिएगा, मैं वापसी पर लेके जाऊंगी। अब नहीं हो सकता वो, और मंडे को ही मिलेंगे। ये देखिए जरा, ये कह रहे मंडे को मिलेंगे। हाँ ना, वी आर नॉट कुकिंग, वी आर नॉट मेकिंग बिरयानी राइट नाउ ना। सो व्हाट कैन वी हैव? आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम हम साथ लेके जाएंगे। यहाँ PWD में एक बड़े ब्रांड के बिल्कुल सामने और मीट एक्सप्रेस के बिल्कुल साथ जी इन्होंने अपना एक छोटा सा आउटलेट बनाया है, और ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, और हम आइसक्रीम भी खाएंगे, ऑर्डर भी देंगे। लेकिन आप जो देख रहे हैं, नौजवान जो देख रहे हैं, अच्छा हाँ, मुझे किसी ने कहा था फेसबुक पे कि इनसे पूछता है कि शैम्पू कौन सा यूज़ करते हैं। अच्छा हाँ, ये मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे बड़ा मज़ा आता है ना, बहुत सारे लोग ना मेरी तरफ देखते ही नहीं है। अच्छा, जो मेरी तरह जिनका हेयर स्टाइल होता है ना, तो मैं उनको आवाज़ लगाता हूँ, सर होम मेड बिरयानी एंड अ शैम्पू फ्री फॉर यू, तो वो उसकी वजह से मेरे पास फिर आ जाते हैं। देखने वाले को क्या कहना चाहेंगे? आप जो देख रहे हैं शायद इतने अच्छे मूड में नहीं है, शायद हालात इतने अच्छे नहीं है, व्हाट डू यू हैव टू से? आपको पता है आप कितनी बड़ी मोटिवेशन है सबके लिए? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं जो बता रही हूँ, अल्लाह से दोस्ती कर ले, सब ठीक हो जाएगा। सिंपल, पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए होता। मैंने जब शुरू किया था तो मेरे पास हार्डली 5,000 रुपीज़ था, तो आई एम मेकिंग 10 times मोर नाउ। बस मैंने सिर्फ अल्लाह से दोस्ती की। 3 चीज़ें कर लें, मेहनत, कोई भी मतलब उसमें शर्म करने की ज़रूरत नहीं है ना, बहुत ज़्यादा ईमानदारी। अब जो बिरयानी है, आपकी सोच है कि हम उसमें कितनी मोहब्बत, प्यार और लगन डालते हैं। फिर मैं हर बॉक्स के ऊपर सूरह फातिहा पढ़ता हूँ, हर बॉक्स के ऊपर दुरूद पाक पढ़ता हूँ, हर बॉक्स के ऊपर वो देता हूँ। और फिर मतलब वही वाली बात कि आप जो बीज लगाएंगे वही निकलेगा। आप सैडनेस और फिक्र लगाएंगे तो सैडनेस फिक्र मिलेगी, आप स्माइल और मेहनत और अल्लाह से वो जो मांग वो देगा जो आप उसको दे रहे हैं। सो मेरा सबको मैसेज ये है कि यार स्टॉप वरिंग अबाउट के कारोबार, रिस्क का तो वादा अल्लाह ने दिया है, अब वो आप मोहब्बत से लेते हैं कि रो के लेते हैं, ये अब आपके ऊपर हाथ में है। तो मैं बड़ी मोहब्बत से ले रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, तो रो के भी लोग कर रहे हैं। और नौकरी है, पैसे की ज़रूरत है ऑब्वियसली, 5,000 भी चाहिए तो होगा ना, थोड़ा बहुत, पर इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं रोड पे खड़ा हूँ अपनी गाड़ी में, बिरयानी बेच रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं गाड़ी का एसी ऑन करके जाता हूँ, 3 घंटे गर्मी में खड़ा होता हूँ, वापसी पे एसी ऑन करके वापस आता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा से ज़्यादा आपको करेज की ज़रूरत है। पैसा तो आप किसी से मांग तांग, मैंने भी तो मेरे दोस्तों ने हेल्प की है ना मेरी, पैसा आप अरेंज कर लेंगे, वो हिम्मत और वो ताकत कहाँ से लाएंगे जो उस पैसे को आगे मल्टीप्लाई करती है? सो वो हिम्मत, करेज और अल्लाह पे कामिल यकीन और अल्लाह से दोस्ती, स्काई इज द लिमिट। थैंक यू सो मच, आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं। बिरयानी मंडे के लिए रखिएगा मेरे लिए, वहाँ पे आके लेंगे पड़ेगी, ब्लू एरिया में होगी, वहीं पे आ जाएगी। हाँ, वहीं पे, वहाँ पे आ जाइएगा। मैं आई कैन नॉट प्रॉमिस कि आई विल कीप इट, क्योंकि कस्टमर आएगा उसको मना तो नहीं कर सकता। हम सुबह सुबह पहुंच जाएंगे, अब बताएं। 12:45 पे वहाँ पहुंच, मैं 12:50 पे खड़ी हूँ, बट मैं डन, मिल जाएगा आपको वहाँ पे। विश यू ऑल द बेस्ट, अपार्ट फ्रॉम जोक्स एंड एवरीथिंग, आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे एंड ऐसे मुस्कुराते रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह खैर। थैंक यू। तो जनाब ये था हमारा छोटा सा इंटरव्यू, हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी ओनली ऑन K2 TV। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, और वाकई जब थकावट उतारने की बारी हो तो टाइम ऐसे भागकर ब्रेक गुजर जाता है।
अच्छा, एक नया सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो आप हमें फीडबैक दे रहे हैं, जो हमें आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें आप ऐड करें, ये माइनस कर लें, तो आपकी पसंद को सामने रखते हुए हमने एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस करा है, द अनसंग हीरोज़ ऑफ इस्लामाबाद, जिसमें हम आपको ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, तो इस्लामाबाद डायरी ने उनको ये प्लेटफॉर्म दिया है कि वो आपके सामने आएंगे और आपको मुतासिर करेंगे, और कितना मुतासिर करेंगे ये आपने हमें बताना है। तो कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया वंस अगेन, वहाँ पे हमने एक सिंगर को देखा जो कि अपनी फैमिली के साथ F9 पार्क इस्लामाबाद में बैठ के गाने गा रहे थे, और क्या उनकी आवाज़ है, क्या खूबसूरत गाते हैं। बरसगीर का कोई ऐसा आर्टिस्ट सिंगर है जो उन्होंने ना गाया हो, तो चलते हैं और आपको मिलाते हैं। सहीवाल मिंट कुमरी का रहशी हूँ मैं। जब कोरोना आई थे ना, तो बड़े आपको पता ही है दुनिया में हलचल मची हुई थी, तो बस अल्लाह से मैं मांगता था हर वक्त, को पॉइंट मांगता था, कभी किधर भागता था कभी किधर भागता था, कि अल्लाह मुझे कोई पॉइंट दे दे। और मुझे इस चीज़ का इलम था, क्योंकि अल्लाह मेरे, मुझे अल्लाह पे बहुत उम्मीद थी कि जिस दिन मैंने कोई पॉइंट पकड़ लिया ना, उस दिन मैं फेमस हो जाऊँगा, क्योंकि आजकल ऐसे लोग फेमस हो रहे हैं। तो बस इधर खड़ा हुआ हूँ, तो आहिस्ता सिंगिंग तो सर मैं बचपन से कर रहा हूँ। मैं सर मोहम्मद रफ़ी साहब को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, किशोर कुमार जी को, उदित नारायण जी को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। पाकिस्तानी भी गाता हूँ, सभी को गाता हूँ। नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली खान साहब, सभी को गाता हूँ। उनके हवाले से सर मैं सबसे पहले तो शुक्रिया आपके चैनल के थ्रू आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नाजरीन के मेरे पास आए केटू वाले, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सब जितने भी मेरे बड़े बड़े स्टार हैं, जितने भी आए हैं, मैंने सबसे अपील की है कि अगर मेरी आवाज़ सुनते हैं तो मुझे उठाएं, मुझे आगे लाया जाए, मुझे कुछ दिया जाए, ताकि मेरी अपने मुल्क में भी कोई मेरी अपनी पहचान हो। अभी तक तो मैं वही गा रहा हूँ, क्रोके चला देता हूँ और उनको गा लेता हूँ, तो चाहता हूँ कि खुद भी अपना कुछ, मेरा अपना भी हो कुछ। और सर मेरा यूट्यूब चैनल भी है मोहम्मद रफ़ी कॉपी ऑफिशियल के नाम से, और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुन रही हैं नाज़रीन, मुझे देख रहे हैं, मेरा कनेक्ट नंबर मुझसे कोई राबता करना चाहता है तो 03087789494। तो मैं चाहता हूँ सर मुझे बुलाएं, मैंने 7-8 प्रोग्राम इधर किए हैं छोटे छोटे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के अवाम ने मुझे बहुत सराहा है। मेरी दुआएं सब के साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि आज मेरी जो भी पहचान है आप लोगों की वजह से ही है। 14 अगस्त के हवाले से मैं ये थोड़ा सा गुनगुना रहा हूँ अपने मुल्क के लिए। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, खुदा करे सदा ये रोशनी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। दिलों में कोई ख्वाब था बसा हुआ, नज़र में एक गुलाब था छुपा हुआ, दिलों में कोई ख्वाब था बसा हुआ, नज़र में एक गुलाब था खिला हुआ, अजब बहार में खिला वो फूल माहताब का, अजब बहार में खिला वो फूल माहताब का, वो ताजगी वो जिंदगी ये रोशनी, खुदा करे सदा ये रोशनी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। तो जनाब, ये था इस हफ्ते का इस्लामाबाद डायरी, जिसमें आपने रंगा रंग के लोगों से हमने आपको मिलाया, खूबसूरत रंग देखे, आपको एक नया सेगमेंट दिखाया है द अनसंग हीरोज़ ऑफ इस्लामाबाद। और जो भी आप देखना चाहें हमें ज़रूर बताइए, अपना फ़ीडबैक देते रहिएगा, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। इंशाल्लाह ताला आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।